Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको कालोजी नारायणा राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना स्टेट वारंगल यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिशंस 2023 के लिए. ये प्रोस्पेक्टस है फॉर एडमिशन इनटू मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना वारंगल तेलंगाना स्टेट. तो इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वारंगल तेलंगाना स्टेट के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि ICMR कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट SUT PG जिपमेर निमहांस IIPH पुणे यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी एम्स ऋषिकेश रायपुर जोधपुर भुवनेश्वर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं MHA और अदर कोर्सेज के लिए और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. तो यहाँ पे जानकारी दी जाएगी कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वारंगल तेलंगाना स्टेट जिसमें जो KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना वारंगल MPH कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है 28 जुलाई 2023 को. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट है knruhs.telangana.gov.in. तो जो अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये है 1st ऑफ अगस्त 2023 10 AM टू 13th ऑफ अगस्त 2023 5 PM. तो 1 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से 13 अगस्त 2023 5 PM तक ये अवेलेबिलिटी है एप्लीकेशन फॉर्म की. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन अलोंग विद इनक्लोजर्स टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो लास्ट डेट है ये 14th ऑफ अगस्त 2023 अप टू 5 PM और एड्रेस है टू द कन्वीनर PG एडमिशंस कमेटी KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वारंगल. अवेलेबिलिटी ऑफ हॉल टिकट टू डाउनलोड जो हॉल टिकट अवेलेबल होंगे डाउनलोड करने के लिए ये होंगे 21st ऑफ अगस्त 2023 से ऑफिशियल वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पे. डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस टेस्ट का डेट ऑफ टाइम है ये है 27th ऑफ अगस्त 2023 फ्रॉम 2:30 PM टू 4 PM. रिपोर्टिंग टाइम एट द इंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो रिपोर्टिंग टाइम है इंट्रेंस टेस्ट सेंटर में यह 1:30 PM साथ. इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ इंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2nd ऑफ सितंबर 2023. डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग एट IIPH हैदराबाद तो टू बी नोटिफाइड लेटर सेकंड काउंसलिंग नोटिफाइड लेटर होगी. कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एंड क्लोजर ऑफ एडमिशन टू बी नोटिफाइड लेटर. नो फर्दर नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी अनलेस देयर इज चेंज इन द शेड्यूल नो इंडिविजुअल इंटीमेशंस विल बी सेंड. तो ये हेल्प डेस्क नंबर है टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए और रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी रेगुलेशंस के लिए. इसके बाद है KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना वारंगल प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन इनटू MPH कोर्स 2023-24. इसमें रेगुलेशंस हैं तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दे रखी हैं. द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इनटू मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हैदराबाद सर्वे नंबर 384 बिसाइड वॉलमेट्री टुवर्ड्स हिमालयन हिमायत सागर मेन रोड राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना 500030 इंडिया राज फैलोद. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा 30 सीट्स टू बी फिल्ड बाय यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया लोकल एंड अनडिजर्व एज पर प्रेजिडेंशियल ऑर्डर एंड GOP 646 डेट 10/7/1979. मैनेजमेंट कोटा 24 सीट्स टू बी फिल्ड बाय द मैनेजमेंट. ऑल द कैंडिडेट्स इन द कॉमन मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल. फॉरन नेशनल कोटा 6 सीट्स टू बी फिल्ड बाय द मैनेजमेंट. कैंडिडेट्स शुड सबमिट NOC
और एजुकेशनल वीजा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ दे आर फॉरेन सिटीजन्स एलिजिबिलिटी है द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज बिलो एज देर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन इन टू MPS कोर्स सेक्स वुमेन मैन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द MPS कोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ए बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द डिग्री अवार्डिंग कमिटी यूनिवर्सिटी मस्ट बी मेंबर इफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इफ द डिग्री इज रिक्वायर्ड एक्वायर्ड फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC बिसाइड्स recognized by UGC and AIU the percentage will be calculated from the total marks of first second third year under 10 plus 2 plus 3 scheme including languages and other subjects foreign candidates other than medical paramedical applying for MPS course should submit equivalent certificate from council of higher education andhra pradesh council of higher education telangana Association of Indian Universities, New Delhi, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi. They must fulfill the requirement of Presidential Order and GOP number 646 dated 10th July 1979. Foreign candidates of medical, paramedical applying for MPS course under foreign national quota should submit equivalence certificate by University of Health Sciences and temporary registration for the duration of post graduate training from the respective council that is MCI, DCI, CCIM, CCH, INC, etc. All other candidates should be Indian national and should satisfy local or non-local status as per GOP 646 Education Department dated 10-7-1979 intern test for both competent authority quota, CQ and management quota, MQ. must have secured not less than 40% marks in the intern test. In case of SC/ST candidate, minimum marks shall be not less than 30% marks. Physical fitness, the candidate shall be medically fit. Then reservations. So reservation hai yahan pe 15%, 6% and 29% seats are reserved for SC/ST and BC. कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली और इसमें रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इसकी इंफॉर्मेशन भी है एडमिशन 25% ऑफ नॉन स्टेट वाइड सीट्स इन ईच कोर्स ऑफ स्टडी तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब पढ़ सकते हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई जा रही है जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स शैल बी ऑफ टू ईयर्स विद फोर सेमेस्टर ऑफ सिक्स मंथ ईच इंक्लूडिंग टू मंथ्स इंटर्नशिप ड्यूरिंग द सेकेंड सेमेस्टर ड्यूरिंग इंटर्नशिप द स्टूडेंट अंडरगो टू मंथ्स फील्ड ट्रेनिंग एंड सबमिट इंटर्नशिप रिपोर्ट द डिसर्टेशन विल बी अंडरटेकन इन फोर्थ सेमेस्टर एंड रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड एप्लीकेशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट RUHS.telangana.gov.in from 1st of August 2023, 10 a.m. to 13th of August 2023 up to 5 p.m. Note the candidates are advised to take a printout of the prospectus instruction to fill the application form from the website before proceeding to fill the application form. प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट तो इसमें ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है इसकी प्रोसीजर है हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एप्लीकेशन पेज तो इसमें बता रखा है कैसे आप सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फी द रजिस्ट्रेशन फी 4000 बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेज एक्स्ट्रा फॉर OC BC कैटेगरीज एंड 3000 बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेज एक्स्ट्रा फॉर SC/ST कैटेगरीज एंड ₹6000 बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेज एक्स्ट्रा इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट और आउटसाइड द कंट्री
वो लास्ट डेट है 14th August 2023 अप टू 5 PM। जो इंटरन टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन इंटरन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन इनटू द एमपीएच कोर्स। द इंटरन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 27th August 2023 फ्रॉम 2:30 PM टू 4 PM एट हैदराबाद एट द सेंटर मेंशनड इन द हॉल टिकट। इंटरन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर इंटरन टेस्ट आर गिवन एट रूल नंबर 8.6। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 90 मिनट्स। ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ वन बेस्ट करेक्ट रिस्पॉन्स टाइप हैविंग 4 अल्टरनेटिव। ईच आंसर विद करेक्ट रिस्पॉन्स शैल बी अवार्डेड 1 मार्क। देर इज नो नेगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। 0 मार्क विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड। सिलेबस फॉर इंटरन टेस्ट। टेस्ट पेपर कंप्राइजेस पार्ट ए एंड पार्ट बी। द सिलेबस फॉर ईच पार्ट इज एज फॉलोज। पार्ट ए कम्युनिकेबल डिसीजेस CD 5, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस NCD 5, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ MCS 5, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स 5, प्राइमरी हेल्थ केयर 5, फैमिली एंड बिहेवियरल साइंसेस 5, टोटल 30। पार्ट बी जनरल नॉलेज 20, बेसिक स्टैटिक्स 5, epidemiology 5, demography 5, nutrition 10, sanitation and hygiene 5, environmental health 10, national and international health agencies 5, population policy 5, total 70. Intern test general instructions, so do's and don'ts. इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इंटरन टेस्ट के लिए। बेसिक फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। फर्स्ट क्राइटेरिया मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरन टेस्ट। सेकंड क्राइटेरिया मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए ऑफ इंटरन टेस्ट। हायर मार्क्स कैंडिडेट टू बी गिवन प्रेफरेंस। थर्ड क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ। ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन टू बी गिवन प्रेफरेंस। इंटरन टेस्ट रिजल्ट द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अलोंग विद देयर मार्क्स कैटेगरीज एंड रैंक्स शैल बी नोटिफाइड इन प्रेस एंड एट द कॉलेज एंड केयर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफिस वारंगल। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन मास्टर मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड एट द इंटरन टेस्ट एंड सिलेक्शन शैल बी मेड सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इश्यूड from time to time and procedure of reservation prescribed in the regulations of for both competent authority quota and management quota। यहाँ पे counseling procedure है for competent authority quota। joining time the selected candidate shall join the institution concerned within the specified date along with the original certificate and document required। no request shall be entertained for extension of time under any circumstances। failure to join the course in time shall automatically result in cancellation of the seats। fee assessment tuition fee। all the candidates selected are required to pay the tuition fee as prescribed by the government from time to time। In respect of private public health college tuition fee is as given below as per GOMS number 58 HMN FW C1 department dated 10-7-2015 and as amended from time to time। Competent authority seats rupees 2,25,000 per 2 years per student। Management seats 2,55,000 per 2 years पर स्टूडेंट। फॉरन ग्रेजुएट्स रुपीज $6,000 पर 2 ईयर्स पर स्टूडेंट। ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल पे द फॉलोइंग फी इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन एनी नेशनलाइज्ड बैंक इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पेबल एट वारंगल along with the bond। the fee once paid shall not be refunded under any circumstances। competent authority quota 17,700, management quota 22,700, foreign nationals 27,700।
Boarding and lodging, all candidates adhere to the institutional rules and violation of rules will be viewed seriously. The candidates have to pay the fees toward their food if they reside in the hostel along with other fees as prescribed from time to time. Course of study, the candidates admitted into MPH course shall pursue the study in accordance with the syllabus prescribed by KNR University of Health Sciences, Telangana, Warangal. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई हैं जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिशन 2023 के लिए है. कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना के लिए और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.